नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टर एट द रेट राय एजुकेशन पर। विद्यार्थी, आज हम वर्गमूल से कुछ ऐसे प्रश्न सीखेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करता है कि पूछ देता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, कोई भी संख्या दे देगा। मान लीजिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है आप लोग बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है 9, 9, 9, 9, 9। ये 5 अंकों की क्या हो जाएगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बोल देगा इसको कि आप इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं इसको सीखेंगे, और ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो यहां पर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, क्या 9, 9, 9, 9 और क्या 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हमें इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 9 है अंडर रूट के अंदर, तो यह 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का। 3 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है 9। अब मान लीजिए यहां पर 10 दे देगा तो यह पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगी, पूर्ण वर्ग इसको नहीं बना पाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाया किसका, 16 का बन जाएगा, क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 क्या है, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर यहीं पे 18 कर दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह से यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फिर वही हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दो दो अंक का क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, एक अंक बच गया 9। तो 9 अब किससे, किसका कोई ऐसा संख्या उठाएंगे जिसका गुणा करेंगे कि 9 आ जाना चाहिए, 2 का उठाएंगे तो 4 आएगा, 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। यानी 3 का यहाँ पर यदि 3 में गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। फिर डबल संख्या क्या करेंगे, उतारेंगे, तो डबल संख्या उतर जाए 99। फिर क्या करेंगे कि इस 3 को इस 3 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया, तो अब हम इसके आगे ऐसी संख्या लगाते हैं कि इसी संख्या में फिर से गुणा करने पर 99 आ जाती है, या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भले हो जाए। तो 1 का यदि गुणा करेंगे तो 61 आएगा, यानी इससे बहुत ज्यादा कम है। तो 2 बार देखते हैं, जब 2 का गुणा इसमें 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 6 दूनी 12, यानी 124, 99 से ज्यादा जा रहा है। तो ज्यादा भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा कम आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, अधिक आ जा रहा है तो तुरंत पीछे आ जाएंगे। यानी एक बार में क्या होगा, एक बार में गुणा जाएगा। तो एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 61। तो 61 इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 38 बच गया। अब फिर डबल संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, उतारेंगे, तो 9, 9 क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब फिर संख्या यहाँ पे देखिए, 1 है और यहाँ पे क्या है, 61 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 को क्या करेंगे, 30 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब 62 आ गया तो फिर इसमें क्या करेंगे, हम एक संख्या बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी वही संख्या बढ़ाएंगे। फिर इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इतना आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आएगा, एक बार करने पर नहीं आएगा। तो हम चेक करते हैं कि कितना करें तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 38 दिया है, 38 तो 99 दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक संख्या अगर आएंगे तो 600 के करीब जाएगा। तो 600 के करीब जाएगा यानी कितनी बार ले जाए, 6 बार में ले जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, 4, 36 को 6 हासिल, 3, 6, 2, 12 को 2, 12 और 3, 15, 15 को 5 हासिल, 1, 6, 6, 36 और 1, 37। 37 तो कितना आ रहा है, 56। यानी अब
एक बार और बढ़ाकर गुणा कर दें तो अधिक आ जाएगा, तो छह बार में भाग जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 37 56। अब इसको इसमें क्या कर देंगे, छह बार में गुणा जाएगा तो छह बार में गुणा कर दिए, यहाँ पर भी छह लिखेंगे तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, चार आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक, यानी 143। अब ये जो 143 आया है विद्यार्थी, मैं बता दूं, अब ये जो 143 बच गया, इसी संख्या को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो जब इसमें से घटाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9999 में से क्या 143 को क्या करना है, घटा देना है, तो जब घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8, और ये हो जाएगा 9 9। अब यह संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग कहलाएगी, पूर्ण वर्ग। अब यह संख्या क्या होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 99856 है जो वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से ही सवाल को लगाते हैं विद्यार्थी और ऐसा सवाल पूछता है। तो विद्यार्थी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।